दोस्तों जियो जिंदाबाद के नारे तो आप सभी लगाते ही होंगे और तारीफ़ करते होंगे कि जियो की बहुत सारी कि भाई जियो ने दे दिया हमको फ्री नेटवर्क, चाहे से ले रहा है वो भी कुछ पैसे, लेकिन हो रही स्पीड में भी कुछ कमी। दोस्तों आज भी वीडियो देखते रहिए। इस वीडियो में आपको एक छोटा सा टिप दूंगा कि आप अपनी स्पीड को कैसे हल्की सी इंक्रीज कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मिल रही है 10 Mbps की स्पीड तो हो जाएगी 50 Mbps या फिर 20 Mbps की स्पीड। दोस्तों बस खाली जो आपकी स्पीड जो थोड़ी हल्की फुल्की कम होती है उसकी लेवल थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी आपको जो रेगुलर जो पुरानी स्पीड थी वही मिलेगी। आप में से बहुत सारे लोगों को ये तरीका आता भी होगा। बस खाली आपको अपने फ़ोन के अंदर से ये कुछ काम करना है, विदाउट कोई रूटिंग कुछ वगैरह नहीं करना, बस खाली आपको सेटिंग में जाकर ये काम करना है। तो वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज शाहनवाज खान, यू आर वाचिंग सुपर नॉलेज, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि भैया मैं आ गया हूँ अपने स्मार्टफोन में, अभी यहाँ से मैं आपको लेकर जाऊंगा कैसे इंक्रीज करते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अभी क्या स्पीड मिल रही है स्पीड टेस्ट से और बाद में क्या स्पीड मिलेगी स्पीड टेस्ट से। सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पर, स्पीड टेस्ट मेरे सामने है, मैं गया स्पीड टेस्ट में और यहाँ पर फिलहाल वाईफाई से कनेक्ट है। मैं इसको वाईफाई को करता हूँ क्लोज और डेटा को ऑन रखते हैं और ये जो सामने आ गया इसको लेते हैं साइड में और आ गया डेटा का। अब मैं करता हूँ स्पीड टेस्ट, ये हो रहा है स्पीड टेस्ट, आप देख सकते हैं अभी मुझे जियो की स्पीड मिल रही है, आप जैसे कि देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे बहुत ही कम 1 Mbps की अभी मुझे स्पीड मिल रही है। और अपलोडिंग की स्पीड अभी आप भी देख सकते हैं, अपलोडिंग की स्पीड जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही कम मिल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको स्पीड इससे बहुत ही ज़्यादा मिल जाएगी, बस स्पीड इंक्रीज हो जाएगी कुछ ज़्यादा। अभी आप ये रिज़ल्ट देख लीजिए, इस रिज़ल्ट का मैं ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट, एक मिनट, ये रिज़ल्ट का मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट। अब मैं जाता हूँ आपको सेटिंग में, जैसा कि मैंने बताया आपको सेटिंग से ही आपको करना है, इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ नहीं करनी है। ये आ गया मैं अपने सेटिंग में, उसके बाद जाता हूँ मोर में, उसके बाद जाता हूँ मोबाइल नेटवर्क में। इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा सिम 1 है जियो और ये LTE इनेबल है और यहाँ पर मुझे जाना है APN में, एसेसरीज पॉइंट नेम, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जियो नेट है। उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ ऊपर ऑप्शन में, ऑप्शन के बाद न्यू APN के नीचे आप देख सकते हैं रीसेट करना है आपको। रीसेट करने के बाद आपको फिर से इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपका नेट कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर आपको एरोप्लेन मोड ऑन करना है, एरोप्लेन मोड ऑन करने के बाद 2-3 सेकंड के बाद फिर से एरोप्लेन मोड ऑफ कर देना है। एरोप्लेन मोड ऑफ करने के बाद फिर से नेटवर्क आ जाएगा, उसके बाद फिर से आपको रीसेट करना है कि मैंने कर दिया फिर से रीसेट, डेटा हो गया बंद, अभी फिर से होगा डेटा चालू। अब मैं आता हूँ स्पीड टेस्ट करने, और ये हो रहा है अभी स्पीड टेस्ट, देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। ये मैंने कर लिया स्पीड टेस्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं स्पीड टेस्ट के, काफ़ी अच्छी खासी स्पीड मिल रही है, जो भी हो रहा है आपके सामने हो रहा है, विद प्रूफ हो रहा है जिसकी मैं आपको स्पीड टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। और फिर से हो रहा है अपलोडिंग का, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी अपलोडिंग में भी हल्की सी इंक्रीजिंग आई है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको डायरेक्ट डबल ही मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर अच्छी खासी काफ़ी अच्छी खासी इंक्रीजिंग नज़र आई है। बस दोस्तों तो आपके स्क्रीन पर है क्या कुछ रिजल्ट आया है पहले हम मैंने जो तरीका बताया उसके पहले या फिर उसके बाद में जो मैंने तरीका अप्लाई किया उसके बाद में रिजल्ट है आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं तो ज़रूर। दोस्तों जियो